आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट भी नर्सिंग सिलेबस में पाया जाने वाला टॉपिक है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है संघर्ष या टकराव। ओके, कॉन्फ्लिक्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रॉम स्ट्राइकिंग। लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड होता है स्ट्राइकिंग, वहीं से ही कॉन्फ्लिक्ट वर्ड निकल कर आता है। स्ट्राइकिंग का हिंदी में मीनिंग होता है प्रहार, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज वॉयलेंट। परंतु यह हमेशा वॉयलेंट को ही नहीं बताता है, या ये हमेशा वॉयलेंट ही नहीं होता। हिंसा से ही कॉन्फ्लिक्ट का मतलब नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज फ्रॉम अपोजिंग आइडियाज। कॉन्फ्लिक्ट दिख सकता है अपोजिंग आइडियाओं के द्वारा भी। अपोजिंग आइडियाओं का मतलब होता है विपरीत विचार। जहाँ विपरीत विचार होते हैं, वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने में आता है। ओके, टू पीपल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू एग्री ऑन एवरीथिंग एट ऑल द टाइम, सो कॉन्फ्लिक्ट अराइज। दो व्यक्ति हैं, हम हमेशा उनसे यह एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं कि वो हर टाइम एक दूसरे से हर एक बात के लिए क्या रहें, एग्री रहें। सो कॉन्फ्लिक्ट अराइज, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो दो व्यक्ति हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की बात माने। कभी कभी ऐसा होता है कि उन दोनों के जो विचार हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तब क्या देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में और कॉन्फ्लिक्ट से हम क्या समझते हैं, द अराउजल ऑफ टू और मोर स्ट्रॉन्ग मोटिव दैट कैन नॉट बी सॉल्व टुगेदर। स्ट्रॉन्ग कोई मोटिव है, मतलब कि हमारा कोई मजबूत इरादा है, जो दो से दो दो या दो से अधिक है काम करने का, कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव है हमारा कोई काम करने का, लेकिन हम उसको एक साथ सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तब भी क्या है, हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इन साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। कॉन्फ्लिक्ट इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड व्हेन पीपल आर इन द स्टेट ऑफ डायलेमा, वेदर टू डू और वेदर नॉट टू डू अ थिंग इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक माइंड का साइकोलॉजिकल स्टेट होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को डायलेमा वाली कंडीशन में फील करता है। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा में, कि वो किसी काम को करे या ना करे। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ व्यक्ति अपने आप को डायलेमा वाली कंडीशन में फील करता है। वो उसको लगता है कि मैं डायलेमा वाली सिचुएशन में चल रहा हूँ, क्योंकि वो इस कंफ्यूजन में रहता है कि मैं किस काम को करूँ या किस काम को ना करूँ। यही कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ओके, अब हम दो डेफिनेशन देखेंगे, जो फर्स्ट डेफिनेशन डगलेस एंड होलैंड ने दी है और सेकंड डेफिनेशन बर्नी एंड लहनेर ने दी है। दोनों डेफिनेशन पर हम कंसंट्रेट करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन डगलेस एंड होलैंड के द्वारा जो दी गई है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स आ पेनफुल इमोशन। कॉन्फ्लिक्ट का मीन्स क्या होता है, एक पेनफुल इमोशन है, एक इस तरह का इमोशन है जो पेनफुल है, जो दुख देने वाला इमोशन है, दैट विच रिजल्ट्स फ्रॉम आर टेंशन बिटवीन अपोज्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टोरी विशेज। जो किस चीज़ का रिजल्ट होता है, वो एक ऐसी टेंशन का रिजल्ट होता है जो अपोज्ड, मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टोरी विशेज होती हैं। कॉन्ट्राडिक्टोरी विशेज मतलब इस तरह की विशेज जिनके स्टेटमेंट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। स्टेटमेंट ही अपोजिट होता है, विचार ही अपोजिट होते हैं। इस तरह की जो टेंशन होती है, उसका रिजल्ट जो होता है, वही कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, सेकेंड डेफिनेशन है बर्नी एंड लहनेर की, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इज ए स्टेट ऑफ टेंशन। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है, टेंशन की एक स्टेट होती है, ब्रॉट बाय द प्रेजेंस इन द इंडिविजुअल ऑफ टू और मोर अपोजिंग डिजायर। जब दो या दो से अधिक अपोजिट जो डिजायर होते हैं, एक दूसरे की जो अपोजिट या विपरीत जो डिजायर होती हैं, जो विशेज होती हैं इंडिविजुअल की, उसके द्वारा जो टेंशन आती है, वही साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, अकॉर्डिंग टू बर्नी एंड लहर के द्वारा। आज की वीडियो में कॉन्फ्लिक्ट का हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया है विद डेफिनेशन। आज की वीडियो में हम कॉन्फ्लिक्ट के डेफिनेशन पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्फ्लिक्ट का कंटिन्यूशन देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट के कितने टाइप्स होते हैं और एक एक टाइप्स का क्या एग्जाम्पल होता है, उन सबको
हम बड़े ध्यान से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के टॉपिक को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार।